Assalamualaikum guys, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चीलर का, क्योंकि लो सेक्शन का अलार्म आ रहा है इसमें। तो आपको हम दिखाते हैं गाइस लो सेक्शन का हम लोग क्या क्या चेक करते हैं। तो हम देर नहीं करते हुए आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। अगर मेरा चैनल में आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं ये चीलर है, आपको हम दिखाते हैं गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें लो सेक्शन का अलार्म आ रहा है गाइस। तो हमको पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्रेसर स्टैटस है। कंप्रेसर स्टैटस से हमको नहीं दिखेगा, ये आपको अलार्म में जाना पड़ेगा। तो ये अलार्म में गया है गाइस अभी हम लोग। अलार्म में जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें लो सेक्शन अलार्म है, 4 नंबर सिस्टम है। अभी कंप्रेसर हम लोग को लोड में नहीं है, इसलिए हम लोग को क्या है इसमें से एक कंप्रेसर बंद करना पड़ेगा। तो ये 1 नंबर का स्विच है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, टोटल 4 कंप्रेसर है इसमें। तो अभी हम लोग इसको 2 नंबर को बंद करेंगे क्योंकि 4 नंबर चालू होने के लिए। इसमें आप देख सकते हैं ये 4 नंबर सिस्टम है, ये अभी 4 नंबर चालू हो गया। इसको जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं गाइस, ये आपका सेक्शन प्रेशर है, जो कि सेक्शन प्रेशर 33, 34, 30 होना चाहिए। तो आपका ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेक्शन जो है, ये 4 नंबर का सिस्टम है, देख सकते हैं ये 4 नंबर कंप्रेसर है। तो अभी हम लोग को इसमें से लीकेज मिला है गाइस, देख सकते हैं आप इसमें, ये आपका ड्राइव और फिल्टर का जगह है, देख सकते हैं इसमें माइनर लीकेज है। तो अभी हम लोग इसका खोल करके इसका गैसकेट चेंज करेंगे। उससे पहले हम लोग गैस को कम ऑन कर लेंगे कंप्रेसर का, पम्प ऑन करने के बाद फिर हम लोग इसका गैसकेट चेंज करेंगे। ओके गाइस, तो हमको पूरा प्रोसेस से दिखाते हैं। से लीकेज था गैस, तो अभी ये इसके अंदर गैसकेट है राउंड शेप में, ये वाला आपका गैसकेट है। तो ये वाला गैसकेट डैमेज हो गया था, तो अभी हम लोग इसको निकाल देते हैं, पुराना वाला निकाल करके उसके बाद फिर हम लोग गैसकेट में जो होता है ना, तो ज़्यादातर आप लोग गैसकेट को जहाँ पे लगे रहता है उस जगह को अच्छे से क्लीन करने के बाद, पुराना गैसकेट निकालने के बाद नया गैसकेट में अच्छे से ऑयल लगाने के बाद फिर आप उसको उस जगह पर बैठा दीजिए। तो पहले इसमें 2 लगा था, तो हम लोग 2 गैसकेट डालेंगे, देख सकते हैं गाइस। तो अभी हम लोग पहला गैसकेट लगा दिए, ये आपका दूसरा गैसकेट है। तो ये गैसकेट अभी हम लोग चेंज कर रहे हैं। दोनों गैसकेट लगाने के बाद अच्छे से बैठाएंगे, बैठाने के बाद फिर उसको वापस फिट करके आपको हम दिखाते हैं गैस आगे का प्रोसेस क्या है। तो अभी अच्छे से गैसकेट को बैठा लेते हैं, गैसकेट को बैठाने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कैसे इसको वापस फिट करते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो
कि 134 ए गैस है, तो हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं। कंप्रेसर चालू करने के बाद हम लोग देखेंगे इसमें गैस प्रेशर कितना लो होता है, उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे। गाइस तो अभी हम लोग कंप्रेसर चालू कर रहे हैं, चालू होने के बाद ये आपका जो प्रेशर दिखा रहे हैं ये सेंडिंग प्रेशर है, चालू होने के बाद ये नीचे आएगा, ड्रॉप जितना होगा उसके बाद फिर हम लोग गैस टॉप अप करेंगे उसको। ये जो आपका ये आपको जो जीरो दिख रहा है, जीरो छोड़ने के बाद ये आपका 10 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, तो ये 30 तक रहना चाहिए, 30 से एक दो पॉइंट ऊपर। गाइस तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग टॉप अप कंप्लीट कर लिए हैं, जो भी था रेक्टिफाई करके पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, गैस भी टॉप अप हो गया है। तो गाइस आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है मालूम है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। ओके गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।